एकदम टाइम। अरे 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 बाबा जी गिर गए, उनका लाठी भी गिर गया। इसीलिए बोलते हैं हड़बड़ी नहीं करने से। इतना देर यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी, जब चलने लगी तब वो भाग के दौड़ के पकड़ रहे थे। वैसे अपनी ट्रेन निकल चुकी एकदम टाइम पे, ट्रेन रुकी हुई थी तब नहीं पकड़ना, अभी देखो दौड़ के पकड़ने के पीछे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे रिकॉर्ड नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से। देख लो ये रही पीछे हमारी ट्रेन, और मैं बता दूं आज हम लोग जा रहे हैं वापस से कोलकाता। फाइनली इतने दिनों बाद हमारा कश्मीर ट्रिप होता है, एंड अपने साइड से पूरा ट्राई किया हम लोगों ने घूमने का। और हाँ, काफी सारा इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा कश्मीर सीरीज फॉलो नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये वीडियो एंड होने के बाद जाके देख लेना वो वीडियो सारा। फिलहाल आज मेरा जर्नी होने वाला ट्रेन नंबर 22318 जम्मू तवी सियालदा हम सफर वीकली एक्सप्रेस। मैं बता दूं इसी ट्रेन से हम लोग आए भी थे और इसी ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं। ये थोड़ा मैं डिफरेंट टाइप का एक ब्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ा सा लाइक मैं सोच रहा हूँ फूड चैलेंज वगैरह टाइप का करूँ। 24 आवर्स ट्रेन का ही खाना खाऊंगा। ट्रेन में किस किस टाइप का खाना मिल रहा है आपको इस ट्रेन में, अगर आप इस ट्रेन से जम्मू तभी जा रहे हो तो कहीं बाहर से मैं ऑर्डर नहीं करूंगा। ट्रेन में ही मतलब जो मिलेगा वही मैं ऑर्डर करके खाऊंगा, वो आपको तो पता चलेगा ही क्या क्या मिलता है इस ट्रेन में। फिलहाल एक काम करते हैं, अभी जाते हैं ट्रेन के अंदर। लाइट अभी आई नहीं है, अब जाके सोते हैं। बहुत भयंकर नींद आ रहा है क्योंकि रात भर हमारा ड्राइव हुआ है। ट्रेन में सीट मिला है भाई, लोअर सीट मिल गया, जाते हैं आराम से सोते हैं। अब पता नहीं उठेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, उसके बाद ही ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ये देख लो ये रही अपनी ट्रेन, चलो जाते हैं अपने सीट पे। देख लो अभी तक ट्रेन के अंदर लाइट आई नहीं है क्योंकि भाई यहाँ से इसका जो डिपार्चर टाइम है ना 7:20 का है, और अभी देख लो 6:30 भी नहीं बजा है। ट्रेन ओपन हो गया था इसलिए हम लोग आ गए सोने के लिए, हम बोले अब सोना ही है। ये अपना सीट है, पिलो वगैरह सब कुछ दे रखा है इन्होंने, जाते अब सोते हैं। जब भी मैं सोकर उठूंगा ना वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। लो जी अभी जस्ट मैं सोकर उठा, यही अपना सीट था। मम्मी तो अभी भी सो रही है। वैसे देख लो अभी लुधियाना स्टेशन आने वाला है, तो एक काम करते हैं जाते हैं गेट पे। यहाँ पे लवली भी सो रही है, सब कोई सो रहा है अभी। ऑल राइट, तो अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं लुधियाना जंक्शन, और मैं बता दूं हमारी ट्रेन यहाँ पे 20 मिनट बिफोर आई है। वैसे हमारे इस हमसफर वीकली एक्सप्रेस का लुधियाना जंक्शन में 10 मिनट का हॉल्ट है और 20 मिनट बिफोर आ गई है भाई। 11:50 में पहुंचने का टाइम था, अभी 11:30 बज रहा है, सोच लो। तो अच्छा खासा टाइम यहाँ पे रुकने वाली है, अभी तो ऑलमोस्ट आधे घंटे रुकेगी यहाँ पे समझ लो। बाकी यही है देख लो लुधियाना जंक्शन, पिछली बार हम इवनिंग में यहाँ पहुंचे थे और अभी अर्ली मॉर्निंग पहुंच रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, अभी 10 बज रहा है। एक और बात है, अगर आप लुधियाना जंक्शन आते हो ना तो मस्त आपको यहाँ पे देख लो ऐसे छोले कुलचे मिल जाएंगे, तो ये जरूर ट्राई करना। वैसे हमारी ट्रेन लुधियाना से निकल चुकी है, उठते ही मैं एडिटिंग के लिए बैठ गया हूँ और अभी तक ना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मैडम गुड मॉर्निंग, नींद कैसा हुआ? हैक्टिक जर्नी हो गया था। देखते हैं चाय ब्रेकफास्ट कुछ आता है तो लेते हैं। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल में आपने देख लिया है, ये जो वीडियो है 24 आवर्स में ट्रेन का ही खाना खाने वाला हूँ, जो भी ट्रेन में मिलेगा वही खाने वाला हूँ मैं, कुछ भी बाहर से ऑर्डर नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले देख लो हो चुका है शुरुआत चाय से, तो ये देख लो ये 20 रुपीज का मैंने चाय ले लिया है, प्रीमिक्स चाय, क्योंकि देखो 10 रुपए का मेरे को नॉर्मल चाय भी मिल रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं होता, प्रीमिक्स थोड़ा बेटर होता है उससे, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो आज के दिन का शुरुआत कर रहा हूँ मैं चाय से, वो भी पंजाब में। मतलब एटलीस्ट वो जो ट्रेन में 10 रुपए वाला चाय मिलता है ना उससे ये प्रीमिक्स अच्छा होता है। फिलहाल यही है चाय 20 रुपीज का, भी देखते हैं इसके बाद ब्रेकफास्ट क्या मिलेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट, और मैं बता दूं हमारी ट्रेन यहाँ भी पहुंची है 5 मिनट बिफोर। वैसे अपने इस जम्मू तवी सियालदा हम सफर वीकली एक्सप्रेस का अम्बाला कैंट में 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ भी अपनी ट्रेन ना बिफोर टाइम है, मतलब चाय पीते पीते स्टेशन आ गया भाई। और यहाँ भी ना आपको मस्त छोले कुलचे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से ले सकते हो, बहुत बढ़िया होता है यहाँ के स्टेशन सब में ना, काफी बढ़िया मिल जाएगा आपको, छोले कुलचे मिलेंगे, छोले भटूरे मिलेंगे। बट मैं खाने वाला हूँ 24 घंटा ट्रेन का ही खाना, इसलिए मैं नहीं खा सकता अभी बाहर का। वैसे खा सकते हैं स्टेशन में ही मिल रहा है, लेकिन मुझे ट्रेन के पेंट्री कार में जो जो बन रहा है ना वही खाना है। एकदम टाइम पे अम्बाला कैंट से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। जो भी बोलो भाई, ये ट्रेन अभी तक मुझे बहुत जबरदस्त लगी है। अगर आप जम्मू तवी का प्लान कर रहे हो या फिर जम्मू कश्मीर कहीं का भी प्लान कर रहे हो, और अगर स्पेशली आप हावड़ा से हो कोलकाता साइड से हो, तो ये ट्रेन आपके लिए मस्ट है। चलो जी अभी अम्बाला छावनी को बाय बाय करते हुए। वैसे इस बार हमें हमसफर वाला कोच नहीं मिला है, देख लो वो तुरंत वाला कोच मिला है। वैसे मैं बता दूं अम्बाला कैंट से निकले हुए काफी टाइम हो गया, मैं बस बैठ के अपना काम ही कर रहा था। ट्रेन में ना ये देख लो, ये नंदनी ब्रांड का ना बादाम मिल्क लेकर आया था, ये उड़ीसा का साथ ब्रांड है,
काफी बढ़िया होता है, मैंने पिया हुआ है इसका, ये बादाम मिल्क। तो ये ले लिया मैंने, ट्रेन में ही मिल रहा था बाय द वे, तो 30 रुपीज का ये मैंने ले लिया। तो ट्रेन में ही मैंने 140 रुपए का लंच ऑर्डर कर लिया है, जिसमें दिखाता हूँ मैं क्या क्या है। ऑलरेडी इन लोगों का खाना हो गया, उसका मुंह से आइडिया लग गया है खाना कैसा है। कैसा है खाना, वन वर्ड रिव्यू? एकदम अच्छा नहीं है ना। तो भाई देखो, मैंने भी अंडा थाली यहाँ पे ऑर्डर किया है, फिर भी चलो रिव्यू करते हैं। लवली तो मस्त बाहर का छोले कुलचे खाली मस्त था ना। आयरन भी ट्राई किया, कैसा था? इससे बेटर ही होगा। बाकी मम्मी भी थाली ट्राई की, कैसा लगा? चलो कोई नहीं मम्मी, हम तो ये चैलेंज कर रहे हैं, हम तो ये मतलब ट्राई करेंगे। तुम लोग के लिए याद है आते वक्त जो मंगाए थे मुरादाबाद से खाना, वो कुछ महाराजा ढाबा है, कुछ तो ढाबा है पता नहीं, वही मंगा देंगे। फिलहाल अभी देख लो, ये थाली 140 रुपए का अंडा थाली, जिसमें ये रोटी भी आया हुआ है, और दिखाते हैं क्या क्या है। तो ओवरऑल देख लो, यही थाली है अपना, जिसमें एक दाल है, राइस है, ये चना किसका है, ये छोले का सब्जी है क्या? देखना एक बार, ये छोले का सब्जी नहीं, हाँ आलू छोला दोनों है, साथ में चपाती भी है। तो चलो एक काम करते, ट्राई करते, बताते कैसा है। अंडा करी का जो करी है ना, देख लो एकदम लिटरली लग रहा है हल्दी में घोला हुआ पानी है। तो चलो जी अभी ट्राई करते हैं अपना आज का लंच। सुबह स्टार्टिंग मैंने चाय से किया था, ब्रेकफास्ट मुझे मतलब शायद उठते उठते ना काफी लेट हो गया, अदरवाइज देख लो ये मेरा लंच है। सबसे पहले ट्राई करते हैं इस आलू और छोले की सब्जी को राइस के साथ। मेरे लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि मैं जब भी ऐसे जर्नी करता हूँ ना, तो ट्राई करता हूँ किसी अच्छे रेस्टोरेंट से ही खाना ऑर्डर कर लूँ। पेंट्री का खाना बहुत रेयर ऐसा होता है कि अच्छा होता है, जैसे कि वो मांडवी एक्सप्रेस, उनका खाना तो भाई साहब एक नंबर है, लेकिन हर ट्रेन का वैसा खाना हो नहीं सकता। चलो देखते हैं ये कैसा है। सिंपली मैं बताऊँ ना, अगर ट्रेन के हिसाब से देखोगे कम मसाला, सिंपल प्लेन के हिसाब से काफी अच्छा है। जिसको मसालेदार खाना पसंद है उनको तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा दाल के साथ खाते हैं, देखते हैं ये कैसा है। वही काम चला हुआ है, काफी सारा कंप्लेन ऐसा भी था ना कि सड़ा हुआ अंडा इन लोगों ने दे दिया है, ये तो ठीक लग रहा है। इस पूरे थाली में सबसे अच्छा हमको बस अंडा ही लगा, करी नहीं, अंडा करी नहीं, बस अंडा। वैसे रोटी भी है, तो हाँ ओवरऑल मेरे को यही ट्राई करना था। मैंने लंच अपना ट्राई कर लिया, और ब्रेकफास्ट तो आज मैं नहीं दिखा पाया, कल सुबह का ब्रेकफास्ट दिखा दूंगा तो प्रॉपर 24 घंटा हो जाएगा। तो यही सब चीजें, अभी एक काम करते हैं इसको फिनिश करते हैं, ठीक है फिनिश किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं खा सकते, इसको फिनिश कर सकते हैं। वैसे हम लोग बिफोर टाइम अभी पहुंचने वाले हैं सहारनपुर। भाई ट्रेन चल रहा है बिफोर टाइम, मजा आ रहा है इस ट्रेन में चलने करके। और बस यहाँ से 13 किलोमीटर रह गया है सहारनपुर, 2:57 में पहुंचने का टाइम है, और बस अभी देख लो 2:30 बजे है यहाँ पे। अपनी ये जो ट्रेन है ना बिफोर टाइम चल रही है, और क्या चाहिए। ऑल राइट, तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सहारनपुर जंक्शन, और मैं बता दूं हमारी ट्रेन यहां पे 4 मिनट डिले है, और अपने इस हमसफर वीकली एक्सप्रेस का सहारनपुर जंक्शन में 8 मिनट का हॉल्ट है। लेकिन भाई अभी एक चीज मैंने देखा है, ट्रेन अपना टाइम मेकअप करने के लिए ना वो एकदम एग्जैक्ट अपने टाइम पे ही निकलती है, ऐसा नहीं कि 8 मिनट हॉल्ट है तो 8 मिनट ही रुकेगी, अगर लेट पहुंची है अपने टाइम में निकल भी सकती है, ये चीज मैंने जाते वक्त देखा था। ये देख लो सहारनपुर जंक्शन, वैसे देखा जाए तो ऑफिशियली अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश। बहुत जल्द मेरा अयोध्या का भी ट्रिप होने वाला है घर जाते ही, तो आप समझ रहे हो किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। प्लानिंग पूरा हो चुका है, बस टिकट का है, टिकट मिल जाए जैसे भी करेंगे, क्योंकि अभी टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। लगभग 3:05 में अपनी ट्रेन निकलेगी सहारनपुर जंक्शन से, और अब एक ही बार जो इसका स्टॉप है 6:10 में मुरादाबाद जंक्शन, जहाँ हमारा खाना आने वाला है। यहाँ से मुरादाबाद 192 किलोमीटर से एकदम टाइम। अरे बाबा जी गिर गए, उनका लाठी भी गिर गया, इसीलिए बोलते हैं हड़बड़ी नहीं करने से। इतना देर यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी, जब चलने लगी तब वो भाग के दौड़ के पकड़ रहे थे। वैसे अपनी ट्रेन निकल चुकी है एकदम टाइम पे, ट्रेन रुकी हुई थी तब नहीं पकड़ना, अभी देखो दौड़ के पकड़ने के पीछे। ये बिना टिकट वाले होते हैं, सारे बिना टिकट वाले होते हैं। जितने भी लोग सहारनपुर से मेरी वीडियो को देख रहे हो, हाय हेलो ढेर सारा प्यार। वैसे देख लो अपनी जो ट्रेन है ना, अभी मुरादाबाद जंक्शन के 5 किलोमीटर पहले आउटर में रुकी हुई है, और यहाँ मेरा वीडियो भी एक्सपोर्ट हो गया। एक्चुअली मैं बता दूं अपनी ट्रेन चल रही है बिफोर टाइम, और यहाँ पे ट्रेन से ही मैंने इवनिंग स्नैक्स के लिए ऑर्डर कर लिया है वेज चाउमीन। तो ये चाउमीन जाते वक्त भी मैंने ट्राई किया था, काफी बढ़िया था, होप कि अभी भी अच्छा।
ये देख लो कुछ ऐसा है ये। वैसे गर्म तो उतना नहीं है लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है ये, एकदम लास्ट टाइम की तरह जैसा मिला था हमें हम लोग जा रहे थे जम्मू जब भी आप इस हम सफर वीकली एक्सप्रेस में जर्नी करते हो सियालदा टू जम्मू या फिर जम्मू टू सियालदा, इनका चाउमीन जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा होता है। वेज चाउमीन 50 रुपीज का है भैया। अभी देख लो हमारे बगल से जा रही है न्यू दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देख लो मुरादाबाद जंक्शन। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन और अपनी ट्रेन यहाँ पे 20 मिनट डिले है। और मैं बता दूं अपने इस हमसफर एक्सप्रेस का मुरादाबाद जंक्शन में 8 मिनट का हॉल्ट है। बाकी लवली ने कुछ खाना ऑर्डर किया था अपने लिए, वो भी आ चुका है, वो उसके ब्लॉग में देख लेना क्या ऑर्डर किया था उसने। फिलहाल यही है देख लो मुरादाबाद जंक्शन। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया था, तब लंच टाइम था और आज तो डिनर टाइम हो गया। डिनर टाइम हुआ नहीं है अभी, अभी 6:30 बज रहा है, लेकिन प्रॉपर बढ़िया स्टेशन यही दिख रहा था खाना मंगाने के लिए, क्योंकि लखनऊ रात के 10:30 बजे तक आएगा, ज्यादा नहीं बस 15-20 मिनट डिले हो गया, जबकि बिफोर टाइम चल रहा था अपना ट्रेन। वैसे तो 8 मिनट का हॉल्ट था लेकिन इस स्टेशन में मैं बता दूं हमारी ट्रेन अराउंड 20 मिनट के आसपास रुकी हुई थी। सिग्नल हो चुका है, अपनी ट्रेन निकल चुकी है मुरादाबाद जंक्शन से। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय मुरादाबाद जंक्शन। वैसे ठंड है भाई यहाँ पे, कश्मीर से निकलने के बाद दूसरा जो ठंड है यहाँ लगा है हमें, अब आगे लगेगा। यूपी बिहार में तो ठंड रहता है भैया ज्यादा। अभी हम लोग आए थे मिलने के लिए दी एंजल से, और एंजल कैसे जा रहा है सफर पता है? तो चलो अभी हम लोग के कोच में तो उधर बैठो, खाना पीना खाओ फिर आ जाना। डिनर अपने लिए ऑलरेडी मैंने ऑर्डर कर लिया है ट्रेन के पेंट्री कार से, वेज खाना, और दिखा देंगे आपको क्या है। देख लो काफी सारा खाना आया हुआ है यहाँ पे, तो अभी काम करते हैं, इन सभी को पहले पैकेट से निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देख लो सबके लिए खाना आ चुका है, मम्मी ट्राई कर रही है सोया चाप, कमाल का है। इसके अलावा देख लो काफी सारा मतलब ग्रेवी आइटम मतलब पनीर आइटम है, और साथ में अपना नान कुलचा भी आया हुआ है। यही सब है खाना, सबको एज यूजुअल काफी बढ़िया लग रहा है। ये देखते ही देखते अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन। 7:30 बजे आने का टाइम था और अभी देख लो 8:10 हो गया, ट्रेन लेट चल रहा है भाई, अच्छा खासा 36 मिनट डिले है। वैसे बरेली जंक्शन में बस 2 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ से निकलते ही जो अगला स्टॉप है अपना वो है लखनऊ चारबाग। वैसे धीरे धीरे सब अपने अपने सीट पे जा चुके हैं खाना वगैरह खाने के बाद, मैं अभी ऐसे ही बैठ के हूँ, सॉन्ग वगैरह सुन रहा था अभी, और वही सेम रूट है ना, तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसी सेम ट्रेन से हम लोग आए थे और वही सेम रूट से अभी हम लोग जा रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि एकदम रिपीटेड टाइप का कॉन्टेंट बने, तो इसलिए ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहा हूँ मैं। नहीं तो मेरा प्लान था उतर के आपको स्टेशन दिखाऊं, ये दिखाऊं। फिलहाल अभी वैसे मैंने थोड़ी देर में बोला है डिनर देने के लिए, देखते हैं इस ट्रेन के पैंट्री कार का डिनर कैसा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी हमें कल शाम तक रहना है ट्रेन में, मतलब बहुत लॉन्ग जर्नी है। अभी आप में से काफी लोग सोच रहे हो कि मोहित भाई आप फ्लाइट से भी जा सकते थे जल्दी जल्दी, मैं बता दूं मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर रहा हूं, हम लोग टोटल 10 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप ग्रुप में आए हो ना तो ग्रुप के हिसाब से ही चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि भाई मेरा जो कम्फर्ट है मैं अपना अलग से निकल जाऊँ, मेरे को इस होटल में कंफर्ट नहीं लग रहा है मैं अलग से 5 स्टार में स्टे कर लूं, तो ये बात आपको समझना पड़ता है अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो। बाकी खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर में डिनर आएगा तो वो भी दिखाते हैं आपको। वैसे यहाँ से लखनऊ 131 किलोमीटर अभी दूर है, ट्रेन अपनी 19 मिनट डिले है, और यहाँ देख लो यहाँ आ चुका है अपना डिनर। डिनर में दिखाते हैं मैंने क्या मंगाया, इस बार डिनर में मैंने वेज मंगाया पनीर, ये 120 रुपए का थाली है, पनीर का है भाई, गिन के एक पनीर रह गया, साथ में चपाती तो है, वही सेम जो लंच में सर्व करते हैं ये डिनर में भी वही सर्व करते हैं। आधा से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है ट्रेन में खाना बढ़िया तरीके से कैसे ऑर्डर करें, मजबूरी में लोगों को पैसा देकर यही खाना खाना पड़ता है। बाकी वही है देख लो दोपहर वाला ही सिस्टम है, बस अंडा करी की जगह पनीर है यहाँ पे, वही मेरे को भी लग रहा है खाना बनाया भी नहीं होगा, वही दाल वही राइस वही सब्जी बस पनीर अलग। तो एक काम करते हैं इसको और राइस को ही ट्राई कर लेते हैं, बताते हैं कैसा है। सच में यार ये मतलब पेंट्री कार वाले को सोचना चाहिए और देखना भी चाहिए, थोड़ा तो यार खाने का स्टैंडर्ड बढ़िया करो, थोड़ा तो डिफरेंट करो, थोड़ा तो अलग करो। मैं सच बता रहा हूँ मैं अभी गया था इनके पेंट्री कार में, वहाँ जाने के बाद तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, लेकिन चलो ये चैलेंज है तो ले लिया मैंने, वही ठीक ठाक है काम चलाने लायक है डिनर 120 रुपए के हिसाब से तो ठीक ही है, ऑप्शन नहीं है बस यही बोल सकते हैं, जो है यही है, मतलब एक चिकन का था एक अंडा करी और एक वेज, वेज में पनीर चिकन और अंडा करी, ओवरऑल यही है अपना डिनर में। चलो इसको फिनिश करते हैं, अब तो रात में कुछ खाने को आएगा भी नहीं, तो सुबह का ब्रेकफास्ट तो आपको दिखाएंगे, पहले इसको फिनिश करते हैं फिर मिलते हैं। डिनर कम्प्लीट होता है यहाँ पे बिस्तर लगना स्टार्ट हो गया है, मम्मी चली गई अपने जगह में, सब अपने जगह में ही है। सोचा था आप लोगों को लखनऊ दिखाऊंगा लेकिन लखनऊ अभी भी 100 किलोमीटर है। अभी रात का देख लो लगभग 3:50 के आसपास हो रहा है और अभी हमारी ट्रेन जौनपुर स्टेशन में रुकी हुई है।
अगर मेरा कोई वीडियो जौनपुर से देख रहा है तो हाय हेलो। ऑल राइट, तो देख लो, अभी देखते देखते सुबह का 8:30 बज गया। मम्मी गुड मॉर्निंग। मम्मी क्या स्वेटर वगैरह कहाँ गया तुम्हारा? बस रात में गरम लग रहा था। गरम नहीं मम्मी, 9 डिग्री था रात में। हमको लग रहा है ना वो कश्मीर का ठंड के आगे ये नॉर्मल लग रहा है। हम एक चद्दर पर ही निकाले। और नींद अच्छे सुबह? बहुत अच्छे सुबह, गुड मॉर्निंग विद मॉर्निंग टी। बाकी चलो कोई नहीं, अपना चाय पीते हैं। थोड़ी देर में गया जंक्शन आने वाला, और मैं बता दूं अपना ट्रेन बिफोर टाइम चल रहा था। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गया जंक्शन, और मैं बता दूं हमारी ये हम सफर वीकली एक्सप्रेस जो है ना गया जंक्शन आई है बिफोर टाइम, वो भी 5 मिनट बिफोर। और मैं बता दूं रात में भी ये सारे स्टेशन में ना आधे आधे घंटे बिफोर पहुंच रही थी, लेकिन आउटर में ही रोक दिया जा रहा था इसको। है तो काफी जबरदस्त ट्रेन। वैसे मैं बता दूं हमारे इस हम सफर एक्सप्रेस का गया जंक्शन में 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन 5 मिनट बिफोर आई है। अब हमारी ये जो ट्रेन है 10 मिनट तक रुकेगी यहाँ पे। यही देख लो गया जंक्शन। चलो फाइनली गया जंक्शन से हमारी ट्रेन तो निकल चुकी है। अभी देखना है कुछ खाने का बढ़िया क्या मिलता है ब्रेकफास्ट। वैसे भी टाइम देख लो सुबह का 9:30 हो रहा है। वैसे तो स्टेशन में काफी कुछ मिल रहा था, देख लो इडली वगैरह मिल रहा था, लेकिन अगर मैं स्टेशन का खा लिया तो फिर ये चैलेंज ही नहीं रहेगा। मुझे सारा टाइम ट्रेन का ही खाना खा के रहना है। बस ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के बाद मैं कुछ भी खा सकता हूँ। फाइनली बाय बाय गया जंक्शन। पता नहीं इस महीने में शायद ये चौथे बार मैंने गया जंक्शन को क्रॉस करा है। वैसे मैं बता दूं अभी तक ना मेरा ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है, और देखते देखते धनबाद भी हम लोग पहुंचने वाले हैं, वो भी बिफोर टाइम। लगभग 12:20 का इसका धनबाद पहुंचने का टाइम था, और अभी 11:45 हो रहा है, और बस धनबाद स्टेशन के आउटर में ही हम लोग हैं। 1 किलोमीटर पहले रोक के रखा गया है, बताओ। और ये पता नहीं धनबाद का कौन सा जगह है, सामने की तरफ एक लेक दिख रहा है मुझे। लेक है ना कि नदी है? लेक ही है। बाकी ऐसा कुछ है नजारा देख लो, ये मस्जिद भी है सामने की तरफ, ये देखो। अगर कोई धनबाद से देख रहा है तो बताना ये कौन सा जगह एग्जैक्टली। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धनबाद, वो भी 20 मिनट बिफोर। भाई साहब ये जो ट्रेन है ना कल से बिफोर टाइम ही चल रहा है समझो। तो जाते वक्त भी इस ट्रेन से हमारा ऐसे ही एक्सपीरियंस रहा था, और आते वक्त भी सेम मजा आ गया। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ अगर आप प्लान कर रहे हो जम्मू का, या फिर कहीं भी अगर आपने देखा जो भी रूट सब दिखाया मैंने वहाँ का प्लान, और आप ये ट्रेन ले सकते हो सियालदा जम्मू तवी हम सफर वीकली एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22318, या फिर जो अप है सियालदा टू जम्मू तवी वाला वो 22317 है। फिलहाल अपनी ट्रेन यहाँ पे 20 मिनट बिफोर पहुंची है, 24 मिनट बिफोर पहुंची है, और 5 मिनट का हॉल्ट अपने इस हम सफर वीकली एक्सप्रेस का धनबाद जंक्शन में। 25 मिनट अभी हमारी ट्रेन रुकने वाली है यहाँ पे, और यही है देख लो अपनी ट्रेन। और सामने की तरफ देख लो मुझे अमूल का काउंटर भी दिख रहा है। ऑल राइट, तो अभी मैं बता दूं सुबह से मैं ब्रेकफास्ट का ही वेट कर रहा हूँ। धनबाद गया, धनबाद के बाद अभी आसनसोल आने वाला है, लेकिन मैं बता दूं अभी तक ना प्रॉपर कुछ ब्रेकफास्ट नहीं आया, वही रात का चौमिन वगैरह ही मिल रहा है। चौमिन तो मैंने शाम को दिखाया था, सुबह ब्रेकफास्ट में भी सेम। देखो वेट कर रहा है अगर कुछ मिल जाए, अब तो लंच का भी टाइम हो गया, अब साथ ब्रेकफास्ट मिलेगा भी नहीं। वैसे मैं बता दूं अभी हम लोग आसनसोल पहुंचने वाले हैं, और हमारी ट्रेन इतनी बिफोर है ना अभी सीतारामपुर में हमारी ट्रेन रुकी हुई है। ये देख लो सीतारामपुर रेलवे स्टेशन, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। काफी देर से हमारी ट्रेन यही रुकी है, पीछे से आ रही है पूर्वा। सीतारामपुर से अपनी ट्रेन निकल चुकी है अभी। फिलहाल अभी टाइम देख लो 1:27 हो रहा है। सीतारामपुर में ना कचौड़ी बहुत बढ़िया मिलता है सुबह सुबह, पता नहीं अभी मिलता है कि नहीं। वो एक भाड़ होता है ना कुल्लड़, उसमें वो देते हैं सब्जी। ब्रेकफास्ट तो नहीं आया, लेकिन देखते देखते अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आसनसोल जंक्शन। yeah.
फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आसनसोल जंक्शन और अपना ट्रेन यहाँ 2 मिनट बिफोर पहुंचा। हमें लगा लेट हुआ क्योंकि सीतारामपुर में ना काफी देर तक अपनी ट्रेन रुकी हुई थी क्योंकि बिफोर टाइम थी, दैट्स व्हाई। और यहाँ मैं बता दूं अपने इस हमसफर वीकली एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट है बस, इसलिए मैं यहीं पे खड़ा हूँ। ये तो मस्त एकदम दबाते खाते हुए जा रही है। बाकी हाँ, अगर आप भी आसनसोल आते हो तो यहाँ का झालमुड़ी ट्राई करना ना भूलना, अभी बहुत सारे झालमुड़ी वाले आ रहे हैं, अंदर में है काफी। आसनसोल से तो फाइनली अपना ट्रेन निकल चुकी है और ब्रेकफास्ट में भी क्या बात है, ब्रेकफास्ट नहीं आया सुबह से आ रहा है लेकिन हम लोग का पसंद का तो चौमिन कोई ब्रेकफास्ट थोड़ी ना होगा, वही चौमिन हम लोगों का पसंद का नहीं, मतलब वो होता है ना अंडा ब्रेड और वो कटलेट। चलो कोई नहीं, आसनसोल से निकलने के बाद अपने इस हमसफर वीकली एक्सप्रेस का जो अगला स्टॉप है वो है सियालदा जंक्शन। तो एक ही बार ये वीडियो को सियालदा से ही कंटिन्यू करते हैं। तो एकदम स्लो स्पीड में अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं बर्धमान जंक्शन। वैसे हमारे ट्रेन का तो बर्धमान जंक्शन में कोई स्टॉप नहीं है, लेकिन हाँ हमारे सामने में देख लो पूर्वा एक्सप्रेस है, इसका स्टॉप है और दोनों देख लो साथ में ही निकले। अगर हमारा ये ट्रेन रहता ना हम लोग डायरेक्ट हावड़ा तक जाते, और अभी देख लो हमारे दोनों ट्रेन का रेस होने वाला लग रहा है। देख लो भाई अभी पैरेलल में चल रहा है अपना पूर्वा एक्सप्रेस एंड हम सफर वीकली एक्सप्रेस, देखते हैं किसको पहले निकालता है। हमारे ट्रेन को लग रहा है सबसे पहले निकालेगा इस रेस में। अभी तक तो फिलहाल हम आ गए, अभी तक का अगर आप राजधानी शताब्दी इन सब की बात छोड़ोगे ना, ये हम सफर एक्सप्रेस मेरे को सबसे बढ़िया लगा है। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन सियालदा, और मैं बता दूं हमारी ये जो हमसफर वीकली एक्सप्रेस है ना सियालदा पहुंची है 5 मिनट बिफोर। वैसे मैं बता दूं भाई हाफ एन आवर बिफोर पहुंचती है, लेकिन इसको पता नहीं कि रोकते रोकते दमदम स्टेशन में रोक दिया था काफी देर। फिलहाल टाइम पे तो पहुंच गए रेलवे स्टेशन। तो होप कि आप लोगों को मेरा ये ट्रेन जर्नी अच्छा लगा। मैंने डिटेल में ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस ट्रेन पे अलग से ब्लॉग बनाया हुआ है, जाके देख लेना। मैं ट्राई करूंगा आई बटन में इन दोनों का लिंक दे देने का। 2 मैंने एपिसोड बनाया था इस ट्रेन पे, पूरा कोलकाता से जो मैं जम्मू तक गया था पूरा जर्नी का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो सेम मेरे को लगा वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने वो चैलेंज टाइप का वीडियो बनाया। तो चलो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय। Suspiran